हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। अब बात देश के किसानों की। जिस बिल को केंद्र सरकार किसानों के फायदे का, उनके हित का बता रही है, उसको लेकर एनडीए में ही फूट पड़ गई है। एनडीए के अहम सहयोगी अकाली दल ने इस मामले में सरकार के खिलाफ वोट किया। पंजाब में किसान इस बिल का जबरदस्त विरोध कर रहे हैं। संसद में पेश किए गए कृषि अध्यादेश के खिलाफ किसानों का आंदोलन तूल पकड़ गया है। इसका सबसे ज्यादा असर पंजाब में देखा जा रहा है, जहां किसानों ने जगह जगह विरोध प्रदर्शन किया। अमृतसर जालंधर के बीच ब्यास पुल पर किसानों के धरने से परेशान ट्रक ड्राइवरों ने तो सड़क के दोनों तरफ ट्रक लगाकर धरना प्रदर्शन किया है। इस आंदोलन की तपिश पंजाब की सियासत में भी महसूस की जा रही है। इस मुद्दे पर एनडीए में दरार पैदा हो गई है और अकाली दल ने इस अध्यादेश का विरोध किया है। तीनों अध्यादेश के विरोध में पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह भी आज राज्यपाल से मिलने वाले हैं। पंजाब में विरोध प्रदर्शन किस कदर फैल गया है, ये बठिंडा की इन तस्वीरों में दिख रहा है। सड़कों पर किसानों का सैलाब सा उमड़ आया। ऐसी ही तस्वीरें पंजाब के दूसरे शहरों से भी आ रही हैं। किसान सड़कों पर डट गए हैं। इस हलचल का असर पंजाब की राजनीति में भी दिख रहा है। एनडीए में शामिल अकाली दल अपनी ही सरकार की इस पहल के खिलाफ खड़ा हो गया है। आपने किसानों को तो पूछा नहीं, जो किसानों की इश्यूज हैं, जो किसानों की इसमें शंका हैं, वो तो आपने पूछा नहीं है। श्रोमणी अकाली दल को भी नहीं पूछा, और हमारे मिनिस्टर ने वहाँ कैबिनेट में भी बोल दिया था कि ये शंके हमारे किसान के हैं, क्योंकि उन्होंने एक्ट पास कर दिया तो हमने उनके खिलाफ वोट दी। सुना आपने, अध्यादेश के खिलाफ अकाली दल ने अपनी ही सरकार के खिलाफ वोट कर दिया। पंजाब के सीएम अमरिंदर सिंह भी इस मौके को नहीं चूकना चाहते, इसीलिए संसद में पेश किए गए तीनों अध्यादेश के खिलाफ वो आज पंजाब के राज्यपाल से मिलने जा रहे हैं।